सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 21 दिसंबर 2018 है। आज के दिन हम लोगों ने अपने थर्ड सेमेस्टर के आखिरी पेपर यानी 507 की परीक्षा दी है और आज ही के दिन दोस्तों NIOS ने अपने फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा यानी 508, 509 और 510 जो हम लोगों को देने हैं आखिरी सेमेस्टर है उसकी आज तिथि घोषित कर दी है। यानी हम लोगों के एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाले हैं और NIOS अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपने काम को अंजाम दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम है 508, 509, 10 उसकी एग्जाम कब होने वाली है। दोस्तों NIOS अब जो है अपने काम को तेजी से कर रहा है। हमारे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के खत्म होते ही आज उसने लेटर इशू कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर लेटर नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर है 39/2018 है। तारीख यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे 21 दिसंबर 2018 की तारीख है, यानी कि आज की तारीख है जो वीडियो बन रही है आज 21 दिसंबर को शाम के 6:30 बजे। और अभी थोड़ी देर पहले ही ये लेटर जो है इशू कर दिया गया है क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में जो विलंबता थी वो नहीं होगी और हमारे एग्ज़ाम सही समय पर सब कुछ कम्प्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ लेटर में डेट शीट फॉर द कंडक्ट ऑफ फोर्थ DLED एग्जामिनेशन फॉर अनट्रेन इन सर्विस टीचर अंडर द DLED प्रोग्राम MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज टू नोटिफाई द फोर्थ पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर DLED प्रोग्राम फॉर द अनट्रेन इन सर्विस टीचर्स विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल मेंशनड एज अंडर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप स्क्रीन पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे 508, 509 और 510 की पेपर की जो डेट शीट है वो आ गई है। पहला एग्जाम होगा 508 का जो हमें 14 फरवरी 2019 यानी कि अभी से हम अगर डेट जोड़ें तो अभी हम लोगों के पास सिर्फ ये दिसंबर की इधर 10 दिन हैं और पूरा जनवरी एक महीने और उधर हम लोगों को 15 दिन मिल जाएंगे। लगभग 2 महीने का समय है दोस्तों हमारे पास, 2 महीने से कुछ कम, और 2 महीने के अंदर जो है हमारी आखिरी परीक्षा फोर्थ सेमेस्टर की हो जाएगी। ये देखिए 14 फरवरी 2019 को दिन है गुरुवार, जिस तरीके से हमारे 506 और 507 की परीक्षा हुई थी गुरुवार और शुक्रवार को, उसी तरीके से सेम टाइम पे होंगे परीक्षा 14 फरवरी गुरुवार। टाइमिंग रहेगा 2:30 बजे से दोस्तों, जो 506 और 507 में टाइमिंग थी वही टाइमिंग रहेगी और टाइमिंग भी बदलने का कोई चांस नहीं है। और आप लोग अगर बीच में दिग्भ्रमित होते हैं तो उससे बचें क्योंकि ये टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है और डेट में भी उम्मीद यही की जा रही है कि कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, यानी 14 फरवरी 2019। और यहाँ पर देखिए 15 फरवरी 2019 को हमारा 509 या 510 का पेपर होगा। इसमें 509 और 510 में से कोई आपको एक देना होगा, जो आपने विषय सेलेक्ट किया है 509 या 510 उसी की परीक्षा आपको देनी है और 508 की परीक्षा सभी को देनी है। तो ये NIOS ने क्लियर कर दिया है कि हमारे जो नेक्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है वो 14 फरवरी और 15 फरवरी को होने वाले हैं, समय वही रहेगा। हॉल टिकट जो है वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले निकलेगा तो उसके लिए अभी से टेंशन ना लें, बल्कि मैं आप लोगों को ये कहूँगा दोस्तों अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके NIOS की PDF मटेरियल को पढ़ें ताकि एक बार आपके ऊपर बर्डन ना आए और आप धीरे धीरे करके 2 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि अभी परीक्षा में देखा जा रहा है कि परीक्षा जो है स्ट्रिक लिया जा रहा है हमेशा की तरह और बहुत सारे शिक्षकों की तैयारी अच्छी नहीं है तो बहुत सारे लोग जो है चीट पुर्जे का सहारा ले रहे हैं जो गलत है। एक शिक्षक होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास 2 महीने का काफ़ी समय है, इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से इस पर आ सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नोट्स, PDF मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।